हाय दोस्तों, मैं ममता सचदेवा हूँ आप सबके साथ फिर से। और आज हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमने आप ही के कमेंट्स में से लिया है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन है कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कि आपकी खूबियाँ क्या हैं, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, कितना जवाब देना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और वो आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी खूबियां पूछ रहे हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उस जॉब में फिट होते हैं या नहीं होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक डॉक्टर हो और आप डॉक्टर बनने के लिए सॉरी अगर आप एक डॉक्टर हो और आप एक मान लीजिए शेफ़ की जॉब के लिए जाते हो, तो अगर आप वहाँ पे जाके कहो कि जी मेरी खूबी ये है कि मैं दांत बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ, साफ़ कर सकता हूँ, मैं चेकअप अच्छे से कर सकता हूँ, जबकि ये है खूबियाँ, लेकिन आपको लगता है कि शेफ़ की जॉब के लिए अगर आप ये सारी खूबियाँ उनको गिनवाओगे तो वो एज अ शेफ़ आपको अपॉइंट कर लेंगे या एज अ कुक आपको अपॉइंट कर लेंगे, जबकि आपने तो उनको अपनी खूबियाँ ही बताई हैं। तो वैसे ही जब आप कैबिन क्रू जॉब में जा रहे हो या आप किसी भी तरह की जॉब में जा रहे हो, सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ लें कि वो आपसे जिस जॉब के बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं उस जॉब की जो है रिक्वायरमेंट्स या उसमें क्या खूबियाँ चाहिए। मान लीजिए अब कैबिन क्रू जॉब में खूबियाँ क्या होनी चाहिए हमें, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो ये सब खूबियाँ हैं कैबिन क्रू की। अब आप इसकी इंटरव्यू पे जा रहे हो तो अगर आपने इनमें से कुछ खूबियाँ अपने साथ मैच करके इंटरव्यूअर्स को बता दी तो मतलब आपने जंग जीत ली। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अब आपसे आपकी खूबियाँ पूछी जा रही हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग, तो आपने उसी जॉब के अकॉर्डिंग उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी खूबियाँ को बयान करना है। डोंट गो 20, 30, 40 खूबियाँ कि अपनी सेल्फ प्रेज भी इतनी ज़्यादा ना कर दे कि वो डाउट में आ जाए। 2-3 खूबियाँ उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, नहीं तो मैं कहूँगी अगर आप किसी भी एक खूबी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जॉब के रोल के साथ जोड़ सकते हैं, तो वो परफेक्ट रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप शुरू करें कि थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, वी ऑल हैव वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, तो मुझे लगता है कि मेरी जो सबसे बड़ी खूबी है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन उसके अलावा मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं हमेशा काम पे टाइम पे पहुंचा हूँ, या मैं स्कूल में अपने कॉलेज में या कहीं पे भी कभी लेट नहीं हुआ आज तक, मैं हमेशा अपना अलार्म जो है टाइम से पहले लगा के रखता हूँ और अपनी चीज़ों को रात को ही जगह पे रख के सोता हूँ या सोती हूँ, ताकि मैं अपनी जो भी काम मैंने नेक्स्ट डे करना है उसको मैं अच्छे से निभा सकूँ, टाइम पे पहुंच सकूँ। तो पंक्चुअलिटी जो है वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब अगर आपने ये जवाब दिया तो डेफिनेटली कैबिन क्रू जॉब के लिए भी पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले आपका अपने स्टाफ का वेट तो नहीं करेगी आपके लिए। तो पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहता है, एक बहुत बड़ी खूबी रहती है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी पंक्चुअल इतना काफ़ी नहीं है। अगर आप पंक्चुअल बोल रहे हो तो उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। चाहे अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल खाली पे बोलना है तो आपने उस चीज़ को नौकरी के साथ जोड़ना है। अगर टाइम मैनेजमेंट को आपने बोलना है कि मैं टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ या करती हूँ, तो आपने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं फोकस्ड हूँ, मैं जब भी किसी काम पे ध्यान या लगाती हूँ या लगाता हूँ तो मैं बहुत ढंग से लगाता हूँ, तो उस चीज़ को फिर आपने एक्सप्लेन करना है, उसको आपने जोड़ना है कैबिन क्रू जॉब के साथ। तो आपने कोई भी चीज़ जब शुरू करनी है लेके आपने उसको कैबिन क्रू जॉब की तरफ ही जाना है या उस जॉब की तरफ जाना है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। आई होप कि आपको कुछ एक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बना के भी समझाती हूँ। अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो आई विल से आई हैव अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आई अंडरस्टैंड दैट फ्लाइट में कभी कभी कुछ मील चॉइसेस अवेलेबल नहीं होते या कुछ होता है, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी से ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी, बहुत पोलाइटली लोगों से जो खाना अवेलेबल नहीं है उससे माफी मांगूंगी और अच्छे से स्माइल दूंगी, तो आई एम श्योर पैसेंजर समझ जाएंगे क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी की वजह से वो अपना गुस्सा जो है वो भूल जाएंगे। तो आप समझे कि कैसे आप छोटी छोटी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि आप मतलब छा जाएंगे लिटरली इंटरव्यू डे पे। तो कोशिश करिए, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके अंदर भी हैं, सिर्फ आपको क्या जरूरत है, एक पेन और पेपर की। सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखिए, उनके जो भी बेस्ट आंसर्स हैं वो बनाइए, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि जो भी आंसर्स हैं जिस जॉब में आप जा रहे हैं उसके रिलेटेड ही रहें
और जो उसका एंडिंग है या जो उसका मॉरल निकल रहा है वो उसी जॉब के साथ जाके जुड़े। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। प्लीज कमेंट्स भेजते रहिए मुझे, मैं सॉरी आपके सारे कमेंट्स कभी कभी नहीं पढ़ पाती हूँ, जॉब घर और ये वीडियोज बनाने की एडिट करने के चक्कर में कभी कभी बिल्कुल मिस कर देती हूँ, बट डोंट माइंड, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कमेंट्स को पढ़ती हूँ, नोट्स बनाती हूँ और आपके क्वेश्चंस के जवाब जरूर देती हूँ। शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।